हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ओल्ड वेडिंग कार्ड से शगुन के लिफाफे या एनवलप्स कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये मेरा एक काफ़ी बड़ा वेडिंग कार्ड है जो कि मैंने लिया है और इसमें कई सारे पेजेस हैं और इसमें मैं यहाँ पर, और ये देखिए एनवलप है, मैं इसको भी यूज़ करूँगी लिफाफा बनाने के लिए। तो ये जो मैं पेपर ले रही हूँ जिसकी मैं स्किन पील कर रही हूँ, एक्चुअली इसकी एक साइड प्रिंटेड है जहाँ पर वेडिंग इनविटेशन के बारे में बताया गया है। उस साइड को मैं क्या कर रही हूँ कि इस पेपर की लेयर को मैं उतार रही हूँ, तो उससे क्या होगा, मेरे पास एक साइड प्लेन होगी और दूसरी साइड में एक प्यारा सा फ्लोरल प्रिंट है। तो मैं जो प्लेन साइड होगी उसको अंदर रखूँगी और ये जो प्लेन साइड है ना, पेपर उतारने के बाद में बिल्कुल हैंडमेड पेपर टाइप लगेगी, तो बुरी नहीं लगेगी स्किन जब उसकी उतर जाएगी। तो मैं फ्लोरल प्रिंट जो रखूँगी वो ऊपर की साइड रखूँगी और प्लेन साइड जो रखूँगी वो नीचे की तरफ रखूँगी। देखिए, और ये जो हमने प्रिंटेड पेपर जो टेक्स्ट प्रिंटेड पेपर हमने उतारे थे उसकी बॉर्डर्स में काट कर अलग कर लूँगी, वो बाद में हमारे एनवलप्स को डेकोरेट करने में भी काम आ सकते हैं। अब देखिए, मैं ये जो कार्डबोर्ड से अटैच्ड है पेपर, मैं उसको भी निकाल रही हूँ, इसका भी मैं एनवलप बनाऊँगी। तो इस तरह से हमारे पास एक कार्ड में से करीब करीब 6-7 एनवलप्स हमारे बन जाएंगे। और इसकी भी मैं ऊपर जो लेयर थोड़ी गंदी हो रही थी वो पेपर, तो मैंने इसकी लेयर उसकी भी एक हटा दी है। और ये अब जो कार्डबोर्ड के दूसरी साइड जो पेपर इसमें अटैच्ड है उसको भी मैं अलग कर रही हूँ पेपर कटर की हेल्प से, इसको अलग करिएगा। और बाद में मैं तो ये कार्डबोर्ड भी संभाल के रख लेती हूँ क्योंकि बाद में भी मेरे ये किसी और यूज़ में आ सकते हैं। तो इनको सबको मैं फेंकती कुछ नहीं हूँ, सब चीज़ें रख लेती हूँ, इवन जो कटिंग्स होती हैं छोटी छोटी वो भी मैं सब संभाल के रखती हूँ क्योंकि वो बाद में सब काम आ जाती हैं। देखिए इस तरह से ये अब इसका ये वेडिंग कार्ड का एनवलप है, इसमें से भी हमारे करीब करीब 3 एनवलप बन जाएंगे। इतना बड़ा एनवलप है, इसमें से भी मैं 3 एनवलप तो बना लूँगी और इसकी भी जो प्रिंटेड जो टेक्स्ट प्रिंटेड है वो साइड हम लोग निकाल लेंगे। कोशिश करिए कि साबुत निकल के आ जाए, पूरा पूरा निकल के आ जाए, अगर नहीं निकल के आ रहा है तो परेशान मत होइए, बस ये है कि हाँ उस पर से स्किन की साफ़ ज़रूर कर लीजिएगा, कहीं कहीं पर वो टुकड़े से उसके बीच में लगे ना रह जाए। अब देखिए, मैं ये प्रिंटेड साइड जो पूरी साबुत निकल कर आ गई थी उसमें से ये मैं बॉर्डर काट रही हूँ, और ये बॉर्डर बाद में हम कोई भी कार्ड, ये कार्ड जो बनाएंगे उन पर या कोई और जो बाद में मैं कभी बनाऊँगी मैं रख लूँगी इनको। ये एनवलप का ये ड्राफ्ट है जिसमें देख सकते हैं मैंने कितना किस तरह से इनको इसकी शेप दी है। ये एक मैं एनवलप बना रही हूँ, नॉर्मली तो मैं ऐसे मेज़र नहीं करती हूँ, उसमें कोई भी करेंसी रख के मैं उसका साइज़ वगैरह मेज़र नहीं करती हूँ, पर ये कार्ड जो था काफ़ी बड़ा था पेपर, तो मैंने सोचा कि 2000 नोट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो इसलिए मैंने उसको रख के मैं उसी के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये मेज़र कर लिया है और ये देखिए ड्राफ्ट, आप उसमें से देख लीजिएगा जो मेरा रहा है, किस तरह से कटिंग करना है, साइड में से कटिंग करना है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे कटिंग होनी है, वो ड्राफ्ट को आप एक बार ही स्टिल करके ढंग से देख लीजिएगा। देखिए ये कार्ड बनाना बहुत इजी है, इनफैक्ट मैंने इस कार्ड इन एनवलप्स बनाना मैं इन एनवलप्स को बनाने में कभी भी कोई मैंने स्केल यूज़ नहीं करती हूँ, विदाउट एनी स्केल, विदाउट एनी यूजिंग एनी पेंसिल आई मेक दीज एनवलप्स, बहुत ही इजी हैं ये और मतलब इतने सुंदर लगते हैं कि ये बिल्कुल रेडीमेड लगेंगे बनने के बाद में, और मैं तो यूज़ करती हूँ और लोग अप्रिशिएट करते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप भी घर में बनाइए, घर में जो इतने वेडिंग कार्ड्स आते हैं उनका यूज़ कीजिए और अपनी बनाई हुई चीज़ का तो अलग ही मज़ा है।
लोग भी अप्रिशिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग भी अगर उनको पता पड़ता है कि आप ये हैंडमेड है, आपने घर में बनाया है, आप स्पेशली उनके लिए बना के ले गए हैं, तो एक अलग ही फीलिंग आती है, लोग भी उसे बहुत पसंद करते हैं। तो आप ड्राफ्ट को देखिए, उसकी कटिंग्स वगैरह कि किस तरह से करनी है, और जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आप इसको भी ज़रा ध्यान से देखिए कैसे कैसे किया है, किस तरह से किया है वो आप देख सकते हैं। करीब करीब मैं 3-4 कार्ड्स मैं अपनी इस वीडियो में दिखाऊंगी आपको, तो आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा जो अच्छा जो थिक पेपर होता है ना, वो थोड़ा सा स्टिक होने में प्रॉब्लम करता है, तो उसको काफ़ी प्रेस करना पड़ता है। जैसे मैं अभी इस वीडियो में कर रही हूँ, ये थोड़ा थिक पेपर है, इसकी मैंने लेयर नहीं हटाई है एक्चुअली, और पेपर्स की ज़्यादातर लेयर हट गई है, ये पेपर बिल्कुल साफ था तो उसकी लेयर नहीं हटाई है, तो ये थिक है, तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि वो स्टिक होने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उसको अच्छे से प्रेस करना है, उसके जो किनारे हैं आप अपनी फिंगर्स से अच्छे से प्रेस करिए, या कोई और टूल ले लीजिए जिससे प्रेस करिए। देखिए ये पेपर पतला है तो ये इतना इसको स्टिक होने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, या ईजीली हो जाएगा। थिक पेपर को यूज़ स्टिक करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इसलिए भी मैं लेयर एक प्रेफर करती हूँ कि लेयर उतार लूँ एक पेपर की, थोड़ा पतला हो जाए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं पर हाँ थोड़ा पतला। ये वाले कार्ड मुझे सबसे सुंदर लगा है एक्चुअली, इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है, फ्लोरल प्रिंट है, तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा इसके लिए। वैसे तो कार्ड्स आप कुछ भी बनाइए, कुछ भी इस पर लगाइए ऊपर से, वो उतने सुंदर लगते हैं, कोई ज़्यादा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा हमें चिपकाना नहीं है, कुछ हमें ज़्यादा उसको भरना नहीं है, बहुत सिंपल सा कार्ड रखिए, वो ज़्यादा सुंदर लगता है, बजाय कि बहुत भड़काऊ और चमकीली चीज़ें उनमें लगाने से, ग्लिटर वगैरह यूज़ करने से। अब देखिए ये कार्ड है, ये थोड़ा साइज़ में छोटा बनेगा क्योंकि ये इसका पेपर ही छोटा था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें हर कार्ड बड़ा ही बनाना है, या हमारा बिल्कुल अगर हम उसमें कोई भी रुपीज़ अगर हम उस पर रखते हैं तो वो उसमें ऐसे ही बिना फोल्ड किया है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप फोल्ड करके भी रख सकते हैं रुपीज़ कार्ड्स। मार्केट में आप देखिए जो रेडीमेड कार्ड्स आते हैं वो इतने छोटे छोटे बिल्कुल पर्स जैसे कॉम्पैक्ट होते हैं, उनमें नोट्स फोल्ड करके ही रखते हैं, सीधा तो रख ही नहीं सकते हैं, बल्कि जब हम बनाते हैं खुद तो हम सोचते हैं कि नहीं पूरा नोट आना चाहिए, लेकिन मार्केट से हम कैसी भी चीज़ खरीद लेते हैं चाहे हमें मोड़ के रखना पड़े, तो इसलिए अगर पेपर छोटा है तो आप छोटे पेपर को भी यूज़ कर लें और उसमें से एक कार्ड बना लें। मैं तो एक कार्ड का मैक्सिमम यूज़ करती हूँ, कहीं से छोड़ती नहीं हूँ कुछ भी, और जो कटिंग्स भी होती हैं उनको मैं संभाल के रख लेती हूँ, आगे मेरे किसी ना किसी कार्ड को उसकी मैचिंग अगर हो जाती है तो मैं डेकोरेट करने में यूज़ कर लेती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ चीज़ें। जितने भी थिन शीट्स थी ना वो इजीली मेरी स्टिक हो गई, लेकिन जहाँ पर मैंने थिक शीट ली वो स्टिक होने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती ही है। तो कोशिश कीजिए कि लेयर उतार ही लीजिए, मैं इनफैक्ट आपको ड्राफ्ट दिखाया है वीडियो में कि किस तरह से आपको कटिंग करनी है कार्ड की, अदरवाइज़ मैं कभी भी ड्राफ्ट को बनाती नहीं हूँ कार्ड पर, मैं बस ऐसे ही पेपर को लिया, उसको फोल्ड किया, एक पार्ट मैंने उसका ऐसे ही करा, दो पार्ट को मैंने मतलब बराबर फोल्ड करा, एक पार्ट थोड़ा छोटा लिया जो कि ऊपर से फ्लैप आती है, और बस मैं ऐसे ही उसको चिपकाती जाती हूँ, कटिंग करती चली जाती हूँ। अच्छा, अब ये जो मैंने डेकोरेट कर रही हूँ ये मैं दूसरे कार्ड की कुछ ऐसे कार्ड हैं जिनका यूज़ नहीं हो सकता है एनवलप्स बनाने में, उन कार्ड्स की जो कटिंग्स हैं, जो पेपर है, मैं उनकी कटिंग्स को ले उनकी कटिंग्स बना रही हूँ। अब देखिए इसमें से मैंने गणेश जी निकाले हैं एक कार्ड में से, तो इनको मैं ऐसे स्क्वायर पीस काट के यूज़ कर लूँगी कार्ड बनाने में। तो ये मैंने गणेश जी की मूर्ति थी तो वो भी निकाल ली है, ऐसे ये प्लेन पेपर है, इसका कार्ड नहीं, इसका एनवलप नहीं बन सकता था एक्चुअली, तो इसको मैंने
इसकी कटिंग्स कर ली और मैं इसको सिंपल एक कार्ड पे चिपका दूंगी। देखिए जैसे ये वही प्लेन कार्ड की ये कटिंग्स हैं जो मैंने इसके किनारे पर लगा दी, और मेरा ऑलरेडी जो ये एनवलप है ये प्लेन मतलब सेल्फ प्रिंट है इस पेपर पर, तो ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है। इसके साथ में मैंने ये कटिंग्स लगा दी। देखिए कितना बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा येलो का येलो एनवलप है, इसके ऊपर मैंने गणेश जी लगा दिए हैं, तो ये अपने आप में ऐसे खूबसूरत लग रहा है। अब ये मेरा, हाँ जी, ये देखिए बॉर्डर कितना अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। ये मेरे दूसरे कार्ड का बॉर्डर है, तो उसका भी ना एनवलप नहीं बन सकता था उस कार्ड का, तो इसलिए मैंने क्या किया उसका ये बॉर्डर निकाल लिया और इसके एक साइड लगाया, दो साइड नहीं लगाया मैंने, केवल एक साइड लगाया। ऐसे मेरे पास दो पेपर्स थे, तो दो एनवलप बने और दोनों के एक ही किनारे पर ये बॉर्डर लगा दिया। ये गणेश जी की कटिंग करी थी, अब एक एनवलप पे मैं ये गणेश जी की कटिंग लगा रही हूँ। ये एक कार्ड पर से मैंने ये फ्लैप हटा ली है, ये थोड़ी बड़ी सुंदर सी फ्लैप है, ये वो कार्ड का भी एनवलप नहीं बन सकता इसलिए मैंने वो हटाया है। जो कार्ड्स के एनवलप नहीं बन सकते हैं उनको मैं डेकोरेशन पर्पस के लिए संभाल के रखती हूँ, तो इसकी भी मैंने एक साइड पर और पीछे फ्लैप तक लगा दिया है। ये थोड़ी लेदर टाइप की कुछ है, ये जो पेपर है ये कुछ डिफरेंट सा ही मटेरियल है इसका। ये इस कार्ड पर मैंने बॉर्डर जो लगाया है दूसरे कार्ड का वो नीचे की तरफ लगाया है ऐसे। इस तरह से मेरे ये 7 एनवलप्स बनकर तैयार हो गए हैं, और सच बताऊँ तो मैंने अभी 3-4 पेपर मेरे पास रखे हुए हैं और मैंने जिनके एनवलप्स नहीं बनाए हैं, बाकी के एनवलप्स मैं बाद में बनाऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए, और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।